हाय फ्रेंड्स, दिस मी फ्रॉम टेक कार्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप को अपने पीसी में कैसे यूज करें। हालांकि मैं इसको रिलेटेड एक और वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ, वो आपको मिलेगा ऊपर आई में, सो आप चेकआउट कीजिएगा। पर ये वीडियो कुछ हटके है, सो विदाउट एनी फर्दर डू, दिस मी फ्रॉम टेक कार्ड, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप जो है वो अभी ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड या फिर आईओएस विंडोज डिवाइस में यूज तकरीबन सभी लोग करते हैं, पर आप में से कई लोग जो है वो कम इसके बारे में जानते हैं, व्हाट्सएप वेब के बारे में। सो अगर आपको नहीं पता कि व्हाट्सएप वेब क्या है, सो मैं आपको लिंक दूंगा इधर, आप चेक आउट कीजिएगा वो मेरा वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप वेब क्या है। बेसिकली वो एक चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन में आपको कॉन्स्टेंटली जो आपका व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है, तो अगर आप पीसी में फिर या फिर लैपटॉप में जो वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो आपका जो कोई भी वेब ब्राउजर ओपन है तो उसमें एक विंडो में जो आपको है व्हाट्सएप ओपन आप कर सकते हैं। हालांकि वो प्योरली एक व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, पर जो एक आपका फ़ोन अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप उसमें जो है वो व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, एज यू कैन सी, ये है व्हाट्सएप की व्हाट्सएप का वेब पेज जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस exe फाइल को। इसकी लिंक हालांकि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो फ्रॉम क्लिक ओवर हियर यू कैन डाउनलोड दैट। और जो मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप वेब के बारे में, सो ये है दोस्तों इसका एक जो वेब पेज, और इसकी जो URL है www.web.whatsapp.com। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करने के बाद, लेट मी एक्चुअली शो यू, ये कुछ इस तरीके की रहेगी, व्हाट्सएप सेटअप इस तरीके का इसका नाम रहेगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद मैं एप्लीकेशन जो है आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन रहेगी। सो अगर मैं आपको दूँ एक छोटी सी कंपैरिजन इन दो एप्लीकेशंस के बीच, ये एप्लीकेशन और ये जो वेब पेज है उसके बीच, सो काफ़ी सिमिलरिटीज़ है इन दोनों के बीच, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें भी इस तरीके से टेक्स्ट फॉन्ट सभी सेम रहेगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लॉगिन किस तरीके से आप करेंगे। सो सबसे पहले आप जाइए अपने अकाउंट में, खोलिए अपना व्हाट्सएप। और क्लिक कीजिए इधर, जब मुझे दिखाएगा कि मुझे स्कैन करना है, सो मैं एप्लीकेशन में सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी गाइस, ये जो एप्लीकेशन है ओपन हो रही है। सो ये हो गया मेरा जो है एप्लीकेशन में व्हाट्सएप ओपन। और अगर मैं ओपन करना चाहूँ जो व्हाट्सएप जो है वो मेरा इस मेरे वेब ब्राउजर में, से इधर से मैं कर देता हूँ लॉग आउट। और एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया है। सो इससे मेनली क्या होगा कि जो आपके वेब ब्राउज़र है उसका यूज़ कम होगा, मतलब कि आपकी जो रैम है वो फ्री रहेगी, और एप्लीकेशन इसकी जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करना काफ़ी बेटर रहेगा। सो अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें जो है वो वेब ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ। सिंपली इसको QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन होने के बाद ये कुछ जो है आपको इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। So that's it for this video guys, I hope you like this video. If you really like this video, please give the thumbs up, and if you have any query or question regarding to this video, let me know in the comment section, and make sure you hit the subscribe button which is here to subscribe my new YouTube channel MTC Vlog, and click over here to subscribe my this YouTube channel Tech Cut. And after subscribing, make sure you hit the bell icon so whenever the videos goes live on the both the channel you must be notified. And yep, thank you for the watching this video guys, and I will catch you next time.